एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी तुरपाई करना। तुरपाई हम कहाँ पर करते हैं ये ज़्यादातर आपको पता ही होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब भी हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, जहाँ पर भी हमें कपड़े को फोल्ड करने की ज़रूरत होती है, जैसे लेडीज शर्ट में, ब्लाउजेज में या साड़ी में फॉल वगैरह लगाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम तुरपाई की सहायता से उस कपड़े को फिनिश करते हैं। तो तुरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। फिर एक बार हमें जितना फोल्ड करना हो, जैसे शर्ट है तो 1.5 से 2 इंच तक हम शर्ट में नीचे फोल्ड करते हैं, और जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम फोल्ड करते हैं। तो दो बार फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो हम इस पर प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसे कच्चे की सहायता से, रनिंग स्टिच की सहायता से इसे एक बार रफली हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने लिया सुई में धागा, मैंने वाइट कलर का इसलिए डाला है ताकि मैं आसानी से आपको दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने इसमें प्रेस कर लिए, पर फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी रनिंग स्टिच से, यानी कि कच्चा करके पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। तो कच्चा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूरी पे हमें करना है, आधा इंच की दूरी पे ऐसे करके। और अगर इस तरह से मुश्किल हो तो हम सबसे पहले इसमें मार्क भी लगा सकते हैं ऐसे करके। तो ये कच्चा करने से क्या होगा कि हमारी तुरपाई करते वक्त हमारा कपड़ा हिलेगा नहीं। ये देखिए, इतना करने के बाद हम इसको काट देंगे। ये हमने रफ किया है, जब हमारी तुरपाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इसको खोल देंगे। तो बहुत छोटी सी नॉट हमें लगानी है तुरपाई करते वक्त। और ये जो नॉट है इसे हमें अंदर की तरफ छुपाना होता है, क्या है कि हम जो भी काम करें तो थोड़ा सा वो उसमें फिनिशिंग भी आनी चाहिए। ये जो फोल्ड हमने अंदर किया था इसमें इस तरह से हम इसको छुपा देंगे। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये बहुत थोड़ा सा कपड़ा हमें नीचे से लेना है और इतना ही हमें ऊपर से लेना है, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में हम इस तरह से करते चले जाएंगे। थोड़ा सा हमें नीचे से लेना है और फिर हमें ऊपर से लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमें पकड़ना है। ये वाइट कलर का धागा मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ सके। इस तरह से देखिए, अब हम इसको यहां पर पक्का करेंगे ऐसे नोट लगा करके।
और जिस तरह से हमने वहां पर धागे को स्टार्टिंग में छुपाया था नॉट को, उसी तरह से हम यहां पर भी करेंगे। धागे को अंदर से ले जाके फिर ऐसे फिर इसको कट कर देंगे। ये हमारी तुरपाई हो गई और ये सीधी साइड से इस तरह से आएगी। अब ये जो हमने रफ कच्चा किया था इसको हम खोल देंगे। तो कैसा लगा मेरा तुरपाई करने का तरीका, प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।